नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। इंदौर पूर्वी एसपी आशुतोष बागरी ने आज अपने पूर्वी क्षेत्र के सभी एडिशनल एसपी से लेकर थाना प्रभारी और पुलिस थाने के स्टाफ को एक टास्क दिया, जिसमें सभी थाना प्रभारी एएसपी और सीएसपी को अपने कार्यालय में शाम को 6 बजे पहुंचने के लिए कहा। इस टास्क का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पूर्वी थाना क्षेत्र में अगर कोई घटना घटित होती है तो कितने समय में थाना प्रभारी और उनका स्टाफ तैयार होकर घटनास्थल पर पहुंच पाता है, जिसको लेकर पूर्वी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के लिए एक्साइज की गई थी, जिसको लेकर एसपी आशुतोष बागरी द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा अधिकारी पहले पहुंचा। वहीं जो थाना प्रभारी अपने पुलिस स्टाफ के साथ जितनी जल्दी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा, उस थाने के प्रभारी को 500 रुपए का नगद इनाम और पुलिस जवानों को 100 रुपए का नगद इनाम दिया गया। एसपी आशुतोष बागरी ने ये पुलिस अधिकारियों और उनके स्टाफ की रिहर्सल इस वजह करवाई कि अगर कोई आपातकाल घटना होती है तो वो पुलिस अधिकारी अपने स्टाफ के साथ कितने कम समय में घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। मैं एक ये इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि यदि कोई आकस्मिक घटना घटित होती है तो हमारा फोर्स कितने कम समय में तैयार होकर के और घटनास्थल तक पहुँच सकता है, उसका एक रेस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी। और सभी का इसमें, चूँकि सभी थानों की डिस्टेंस अलग है, ट्रैफिक का कंडीशन अलग है और इसमें जो है, तो इस सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए अभी हम लोग निकालेंगे इसमें कि किसका रिस्पांस टाइम सबसे हाईएस्ट रहा, क्योंकि कुछ थाने जो पास के हैं यहाँ पे वो बहुत जल्दी पहुँच गए, विद इन 2 या 3 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए थे, और जो थाने दूर के थे वो उनको 10 मिनट का टाइम भी लगा था। लेकिन इसमें जो मसला है वो डिस्टेंस का भी है और ट्रैफिक का भी है कि कितना ट्रैफिक इसमें लगा था, तो वो सबको कैलकुलेट करके अभी हम लोग निकालेंगे कि किसका रिस्पांस टाइम सबसे फास्ट रहा। और जो भी 5 थाने जो मतलब सबसे पहले और जिनका रिस्पांस टाइम सबसे बेहतरीन रहा, उनके थाना प्रभारियों को 500 रुपये नगद पुरस्कार, और जो उनके साथ बल था जो बहुत जल्दी तैयार होकर के और रिस्पांस कम समय में यहाँ पर पहुँच गया, उन सभी जवानों को 100 रुपये नगद पुरस्कार हम देंगे। देखिए, इसमें जितने भी जवान हैं यहाँ पे जवानों को सभी को कोरोना का टीका, कोविड का टीका लग चुका है, ठीक है। और जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आए जवान आप देख रहे होंगे, कई एक ने उसमें मास्क भी लगाए हुए हैं, तो उसमें जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उनका सभी का पालन हुआ है। तो वही हमने कहा कि अभी सारे पॉइंट हम कंसीडर करेंगे रिवार्ड देने से पहले, कि कौन जो है कितनी प्रिपेयरनेस के साथ में आया, उसके हिसाब से उसको क्या ये जो है आप बताने का नहीं है, ये कभी इमरजेंसी सिचुएशन बता के आती है क्या? तो ये तो हमने एक्सरसाइज की थी कि चेक करने के लिए कि वो तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन बीच बीच में चूंकि कभी यदि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमने अपनी तैयारी चेक की थी कि हम कितना प्रिपेयर्ड है उसका। सर, लेकिन मेंटली प्रेशर काफ़ी होता है, लेकिन अगर फिजिकली आप देखा जाए तो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर से भी अगर देखा जाए तो टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।